आई एम श्योर कि आपके पास में ऐसे ईयरिंग्स होंगे जो आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, कहीं तो भी ड्रॉवर में ऐसे टूटे फूटे ईयरिंग्स पड़े होंगे। हो सकता है कि दो में से एक ईयरिंग ख़राब हो गया हो, टूट गया हो, या फिर स्टड्स निकल गए होंगे। तो इस टाइम में आप क्या करें, ऐसे ईयरिंग्स को फेंका भी नहीं जाता क्योंकि आपके दिल के करीब भी रहते हैं, जैसे मेरे दिल के करीब ये सारी ईयरिंग्स हैं क्योंकि आई पर्सनली लव द ईयरिंग्स। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, बहुत देर तक सोचती रही और उसके बाद में आहा, मेरे पास में आ गई है जादुई छड़ी और मुझे समझ में आ गया कि इन टूटे फूटे ईयरिंग्स का क्या किया जाए। वैसे ये रूबिक क्यूब मेरे बेटे ने सॉल्व करके दिया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू होकोमाई विद रूनी टू अनदर हैक्स एपिसोड ऑफ ईयरिंग्स। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ईयरिंग्स के 13 हैक्स। ये 8 हैं लेकिन आप समझ लो 10+3 13 हैक्स हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग से इजी हैं हैक्स जो कि हर कोई कर सकता है अपने पुराने ईयरिंग्स के साथ में, उनको रीस्टाइल कर सकता है, रीयूज़ कर सकता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए हफ्ते में 3 बार वीडियोस रिलेटिंग टू फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल और बहुत सारे हैक्स और DIYs के साथ में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इन द मीन टाइम यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस बार हम लोग नया लुक देंगे अपने पुराने हेयर बैंड को और रीयूज़ करेंगे अपने पुराने ईयरिंग्स को। तो यहाँ पे जो मैंने ईयरिंग लिया है वो झुमका था, टूट चुका था उसका झुमका पोर्शन, इसलिए जो ऊपर वाला पोर्शन था वो अच्छा था। तो मैंने पहले अपने सर के ऊपर ये हेयर बैंड लगाया और कहाँ पे मुझे इस ईयरिंग को लगाना है वो वाला एरिया मैंने देख लिया। तो यहाँ पे जो होल्स हैं ऑलरेडी वहाँ पे मैंने ईयरिंग को अच्छे से पियर्स करके, जो उसके पीछे की डंडी होती है उससे मैंने अच्छे से मेरे हेयर बैंड को एकदम ही रिवैम्प्ड लुक दे दिया है। तो अभी तक जो हेयर बैंड आप नॉर्मली यूज़ करते थे वो हेयर बैंड आप किसी भी पार्टीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर बैंड से परेशान हैं वही पुराने लुक से, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो मिड पोर्शन है वहाँ पे एक प्यारा सा डॉट वाला ईयरिंग था मेरे पास में, तो वो मैं लगा दूँगी जिससे इस हेयर बैंड को एकदम ही नई लुक आ जाए। अगर ऐसे ही टाइप के और ईयरिंग्स होंगे तो उनको और भी लगा के आप अपने बन को सजा सकते हैं। चाबी है लेकिन चाबी का छल्ला नहीं है, तो चलिए इस बेचारी सी चाबी को हम छल्ला देते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक प्यारा सा ईयरिंग था लेकिन टूट चुका था ये ईयरिंग, तो इसके लिए मैंने ये ईयरिंग लिया। एक्चुअली लंबा ईयरिंग चाहिए था क्योंकि चाबी भी लंबी थी। अगर आपके पास में चाबी छोटी है तो आप जो छल्ला है यानी कि ईयरिंग है वो थोड़ी छोटी लीजिएगा। और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये वाला चाबी का छल्ला। और इस ईयरिंग रीयूज़ की वजह से इस चाबी की एकदम लुक चेंज हो जाती है, कितना खूबसूरत दिखता है देखो। चलिए एक पुराने वॉलेट को एक नया रूप देते हैं। यहाँ पे आप चेन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक जादू से ईयरिंग लूँगी और इस ईयरिंग को यहाँ पे इस तरीके से चेन में पियर्स कर दूँगी और अच्छे से इसको गोल गोल घुमा के अटैच कर लूँगी। और देखिए हमारे पुराने ईयरिंग से एक पुराना बैग कितना खूबसूरत दिखता है, एकदम नया लुक आ जाता है। आपने कभी ऐसा बटन वाला कुर्ता पहना है जिसमें एक्चुअली दो बटन्स के बीच में से अंदर का दिख जाता है? ऐसा ना हो और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपना अगेन दूसरा वाला रीयूज़ करते हैं, एक ईयरिंग लेते हैं और दोनों बटन्स के बीच में इसको पियर्स करके जैसे हम सेफ्टी पिन लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे इस ईयरिंग को। देखिए आप कितना खूबसूरत दिख रहा है, ऐसे ही आप दूसरा भी बटन लगा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और फैंसी भी दिखेगा। कभी ईयरिंग्स को ब्रोच टाइप यूज़ करा है? चलिए आइए करते हैं यूज़ इस बारी। मेरे कुर्ते पे सिल्वर लाइनिंग्स, इसलिए मैंने सिल्वर ईयरिंग लिया है और वैसे भी वो टूट चुका था, तो इसकी जो पीछे की डंडी है उसको कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे और पहले ही आप एक सेफ्टी पिन से होल करके रखिएगा और वहाँ पे आप इसको अटैच कर दीजिए एज अ ब्रोच। कितना खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे मैंने दूसरा भी एक ईयरिंग लिया है जो कि नग वाला था, ये भी कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। इस बार कुछ क्राफ्ट करते हैं। सेम ईयरिंग्स के पीछे मैंने यहाँ पे आईलैश ग्लू लिया है जो कि मैं इसके पीछे इस तरीके से लगा दूंगी और इसके पीछे मैं एक और चीज़ लगाऊंगी जो कि है बिंदी।
तो बिंदी को हम सीधे वाला एरिया इस ग्लू के ऊपर लगा देंगे और जो पीछे जो बिंदी वाला ग्लू है उससे अपने माथे के ऊपर इस बिंदी यानी कि इस बिंदा या फिर मांग टीका को चिपका देंगे। देखिए कितना खूबसूरत डेलिकेट झटपट वाला मांग टीका आपका रेडी हो चुका है। कोई भी पार्टी में आप इसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं। मुझे एकदम से शॉपिंग याद आ गई, लेकिन ये पर्स नहीं, इस पर्स को मैं ये इयररिंग लगाने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे मैंने इसे चिपकाया। अभी तो मैंने डबल साइडेड एडहेसिव से चिपकाया हुआ है ताकि कभी भी मैं कोई भी इयररिंग इस पे लगा दूँ ताकि इसका लुक हमेशा ही चेंज होता रहे। है ना अच्छी सी आइडिया, एकदम 100% वाला आइडिया है ना। हर चीज़ हमारी पुरानी इयररिंग से नई बनाई है तो फुटवेयर को क्यों नहीं, है ना। इस फुटवेयर का जो गोल्डन पार्ट है वहाँ पे स्क्रैचेस आ गए हैं और उनको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे इयररिंग्स लगा दिए हैं। तो ये इयररिंग्स आपके पुराने भी हो सकते हैं या नए भी हो सकते हैं, लेकिन ये इयररिंग्स ज़रूर आपके हील्स को एक नया लुक देने वाली हैं। हमारे ड्रेसिंग टेबल के जो ड्रॉअर से काफ़ी यूज़ होते हैं और उनके जो नॉब्स हैं अगर स्टाइलिश हों तो क्या बात हो जाए। वैसे तो मेरे ड्रेसिंग टेबल के नॉब्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन चलिए इनको नया लुक देते हैं। सेम इयररिंग्स लिए हैं और यहाँ पे डबल साइडेड एडहेसिव लगा दिया है और इसके ऊपर मैं इसको चिपका दूंगी। इसको परमानेंट करने के लिए आप इसके ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग सा ग्लू या फिर क्विक फिक्स लगा सकते हैं और देखिए ड्रॉअर्स का लुक ही एकदम चेंज हो गया है, है ना। हर कोई आजकल स्टेटमेंट इयररिंग्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक पुराने स्टेटमेंट इयररिंग्स थे जिनको मैं एक नया स्टेटमेंट इयररिंग बनाने वाली हूँ, यानी कि दो इयररिंग्स को मर्ज करने वाली हूँ। तो जहाँ पे भी आप देखते ना होल अगर हो तो अपने जो इयररिंग की पीछे वाली डंडी रहती है बस उसके अंदर डाल दीजिए और उसको हल्के हाथों से ट्विस्ट करिए। ऐसा मत करिए कि वो डंडी ही टूट जाए, तो बस आपका प्यारा सा स्टेटमेंट इयररिंग रेडी हो जाता है। तो देखो कैसे दो पुरानी इयररिंग से आपका स्टाइल क्वेश्चन इतना सारा बढ़ गया है ना। सेम हैक ब्यूटीफुल्स मैंने यहाँ पे भी दूसरे इयररिंग्स के साथ में भी यूज़ करा हुआ है। इसके लिए मैंने ये थ्रेड इयररिंग लिया है और उसके ऊपर मैंने स्टड्स लगा दिए हैं। तो पहले वाले हैक में इयररिंग के ऊपर इयररिंग था, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्टड्स विथ द थ्रेड इयररिंग, तो ये भी काफ़ी अच्छा हैक दिखता है। नॉर्मल कुर्ते को एकदम ही डिफरेंट एज देने के लिए यहाँ पे मैंने सिल्वर इयररिंग ली है। सिल्वर इयररिंग इसलिए क्योंकि सिल्वर वर्क किया हुआ है। बटन के साथ में सिल्वर इयररिंग को लगा दीजिए और पुराने कुर्ते को एक नया लुक दे दीजिए। कैसा लगा आज का वीडियो गाइस? बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और स्पेशली द हैक्स वीडियोस, बहुत सारे दिमाग के घोड़े भी चलाने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने करना पड़ता है। तो प्लीज इस मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और यस, अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। खो गए हम कहां रंगों सा ये जहां, तेरे मेरे रास्ते हैं जादुई मारते हैं, हम भी हैं तुम भी हो यहां।